गुरु रूप प्यारी सात संगत जी फतेह की प्रवानगी बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो बोलदा पंजाब, मैं हाँ तुहाड़ा अपना होस्ट सरदार दीपक सिंह। अज असी पहुँचे हाँ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहिब, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल 1521 तो लैके 1539 तक इस स्थान पर गुजारे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सब तो वध समा इस स्थान पर गुजारिया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उस समय इत्थे एक पिंड वसाया, एक नगर वसाया, जिसका नाम उन्होंने करतारपुर साहब के नाँ तो रखिया। महाराज नूं उन्हां दी जिंदगी चाहण वाले हिंदू सिख भी सन, मुसलमान भाई भी सन। 22 सितंबर 1539 नूं जदों गुरु नानक पातशाह इस दुनिया तो परदापोश होए, उन्हां नूं उन्हां जिंदगी चाहण वाले हिंदू सिख भी सन, मुसलमान भरा भी सन। जदों कोई दरवेश बाबा जी नूं दर्शन वास्ते आए, जद उन्हां ने देखिया कि बाबा जी इस दुनिया तो परदापोश हो चुके ने, तो उन्हां दे चाहण वाले आपस में लड़ रहे ने। हिंदू सिख कहण लगे जी ये साडे गुरु सन, असीं अपने रस्मां दे मुताबक इन्हां दी बॉडी नूं जलावांगे, संस्कार करांगे। तो मुसलमान कहण लगे जी साडे मुसलमान बुजुर्ग सन, असीं इन्हां नूं दफनावांगे। दोनों कौम आपस में लड़ रही सन, तो जिहड़े दरवेश बाहरों दर्शन वास्ते आए, उन्होंने कहा जी तुसीं लड़दे क्यों हो, असीं इस गल का फैसला बाबा जी तो ही लैंदे हां। जद फैसला लैणा से बाबा जी तो चादर चुके देखी तो नीचे बाबा जी नहीं सन, उन्होंने जगह फुल पै हुए सन। फिर उन्हां ही बुजुर्गों की गल नूं मंनदिया होइआं चादर ते फुलां नूं दो हिस्सों च वंडिया गया। एक हिस्सा हिंदुआं सिखां नूं दिता गया, एक हिस्सा मुसलमान भरावां नूं दिता गया। मुसलमान भरावां ने अपनी अकीदत के मुताबिक जनाजा पढ़ के चादर ते फुलां दा जनाजा पढ़ के चादर ते फुलां नूं दफना दिता, और हिंदू सिखां नूं उन्हां चादर ते फुलां दा संस्कार कर दिता। सो यह है वह स्थान जिथे दोवें जगह अज भी मौजूद ने। मजार साहब भी मौजूद है, अंगीठा साहब भी मौजूद है। असीं तुहानूं अज दर्शन भी करवावांगे समाज साहब के, अंगीठा साहब के, अते दीवान स्थान के भी। उस दे नाल नाल मैं दसदा जावां कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से एक पूरी सिख जगत नूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत वड्डा तोहफा दिता, एक बहुत वड्डा तोहफा दिता, एक अनमोल तोहफा दिता। जिहड़ियां सुबह शाम सिख संगतां अरदास बेनती जोधड़ियां करदियां ने कि सिख पंथ तो जिहड़े गुरुधाम विछोड़े गए ने, जिन्हां दे खुले दर्शन दीदारे बख्शो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस गुरु घर तो एक कोरीडोर बना दिता गया, जिथों के इंडिया सिर्फ 3 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर है, ताकि संगतां बगैर वीज़ा तो सुबह आन गुरु घर दर्शन करन, लंगर प्रसाद छकन, शामी वापस अपने घर चल जा। 3-4 महीने वह कोरीडोर चलता रहा, लेकिन बदकिस्मती नाल जिहड़े कोरोना वबा चली उहदी वजह नाल कोरीडोर बंद करना पिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरीडोर बंद कर दिता। लेकिन 2-3 महीने बाद जदों कोरोना का थोड़ा सिस्टम घट होया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लांघा दोबारा खोल दिता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फिर भी लांघा खोलने 18 महीने लगा दते। सो 17 नवंबर 2021 नूं गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर दोबारा फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कोरीडोर खोल दिता। हुण डेली की बुनियाद पर 200-250 संगत दर्शन वास्ते करतारपुर साहब के स्थान पर पहुँचदियां ने। असीं उम्मीद करते हाँ कि यह कोरीडोर इस तरह ही चलता रहेगा, तो वध तो वध संगत दर्शन वास्ते आंदियां रहणगियां। आओ तुहानूं हुण गुरु घर के दर्शन करवा दें। जी गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, असी इस टाइम मौजूद हाँ उस मज़ार साहब ते उस जगह ते उस स्थान ते जिथे जिस तरह मैं तुहानूं पहले इतिहास ही दस्या, जिथे मुसलमान भाईचारे के लोगों ने अपनी रस्मों के मुताबक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की चादर ते फुलां नूं दफनाया सी। ये है जी वो स्थान, वो मज़ार साहब जिथे चादर ते फुलां नूं दफनाया सी। मैं दसदा चलां कि यह जिहड़ी तुसीं रेनोवेशन देख रहे हो, या जिहड़ा असीं जिहड़ा मार्बल लगा होया है, ये गुरु प्यारे सात संगत जी यह बाद जो 2019 के गुरु घर, पहला गुरु घर करतारपुर साहब सिर्फ 4 एकड़ जो कोरीडोर बनया, जो कोरीडोर का नींह पत्थर रखा गया, उस तो बाद इस गुरु घर को 4 एकड़ों तो 42 एकड़ तक लैके जा ले गया। तुम देख सकते हो मेरी चारों तरफ बहुत वड्डी परिक्रमा, सरोवर साहब,
खूह साहब मैं तुहानू इस स्थान तो हट के इस स्थान तो बाद खूह साहब ते समाज साहब के भी दर्शन करवावांगे। मैं तुहानू दसदा जावां कि यह जिहड़ा तुसीं मार्बल देख रहे हो यह पुरानी टच दे के लेकिन यह हुण सारा मार्बल असीं नवां लगवाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PSGBC ने। दूसरी मैं दसदा जावां जिहड़ी जिहड़ी है तुसीं बिल्डिंग देख रहे हो जिथे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, यह बिल्डिंग उही पुरानी बिल्डिंग है जिहड़ी 47 तो पहले भी जिथे महाराज का प्रकाश होंदा सी। सतसंग जी यह बिल्डिंग 1920 तो लैके 1929 के दरम्यान महाराजा पटियाला ने इसकी सेवा करवाई सी। 47 तो पहले वंड तो पहला यह स्थान इतिहासक स्थान इत्थे जिस तरह अज महाराज की बख्शिश सदका संगतां दूरों नेड़ों आके दर्शन कर दियां ने। 47 तो पहला भी इस तरह ही संगतां आके दर्शन कर दियां सन, इत्थे लंगर पानी चलते सन, कीर्तन होंदा सी, सुबह शाम कीर्तन होंदा सी। लेकिन 47 वंड तो बाद गुरु घर बंद हो गया सी, फिर 53 ईयर्स गुरु घर बंद रहा। ये नाल नाल आओ तुहानू अंदर समाज साहब के भी दर्शन करवाइए अते उस तो बाद जिहड़े इतिहासिक खूह ने जिथों धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज खेतों नू पानी लाते सन वह भी तुहानू खूह साहब के असीं दर्शन करवावांगे। जी सात संगत जी मैं अपने कैमरामैन नू कहांगा कि तुहानू समाज साहब के दर्शन करवाण जिथे हिंदू सिखा ने चादर ते फुलां दा संस्कार किया सी जी। यह है वह स्थान, यह है वह इतिहासिक स्थान जिथे धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी चादर ते फुलां दा संस्कार होया सी जी। तुसीं इह चुकाठा देख रहे हो यह उही पुरानियां चुकाठा ने जिहड़ियां 47 तो पहले 1920 तो 1929 दे दरम्यान जदों इस गुरु घर की पहली दफा सेवा चली सी यह उदों दियां ने। जो मार्बल देख रहे हो मैं अपना कैमरामैन कहांगा कि तुहानू मार्बल भी दिखाण, यह जो मार्बल देख रहे हो यह मार्बल भी उही पुराने मार्बल ने गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। तुसी यह देख सकते हो जिहड़ी पहला गुजरात के कोई सिंह भाई साहब सन जिन्होंने इस चुकाठ की सेवा करवाई। जी गुरु रूप प्यारी सात संगत जी मैं तुहानू एक होर इनफॉर्मेशन देंदा जावां कि मैं अपने कैमरामैन नू कहांगा कि तुहानू निशान साहब दे दर्शन करवाण। ये पाकिस्तान दे जिन्ने भी गुरु घर ने, पाकिस्तान दे जिन्ने भी इतिहासिक गुरु घर ने, ये सब तो ज़्यादा हाइट है जिहड़ी वो इस निशान साहब की है। पाकिस्तान के सारे गुरु घर सब तो ज़्यादा हाइट इस निशान साहब की है। इस निशान साहब की हाइट 117 फुट है जी, 117 फुट हाइट है जी इस निशान साहब की। जी गुरु प्यारी सात संगत जी इस दे नाल नाल निशान साहब के नाल नाल जिस तरह के मैं पहले भी जिक्र किया कि इत्थे इतिहासक खूह ने बौली साहब है जिथों धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज खेतों नूं पानी देंदे सी। एक चीज़ मैं होर तुहाडे नाल तुहानूं दसदा चलां कि यह जिहड़ा स्थान है इत्थे ना सिर्फ हिंदू सिख आंदे ने बल्कि मुसलमान भाईचारे दे भी बहुत सारे लोग जिहड़े डिफरेंट पाकिस्तान के कोने कोने तो आके इत्थे मन्नतां मंगदे ने, महाराज अगे अपनियां अरदासां बेनतियां जोधड़ियां रखदे ने। है जी खूह साहब
जितों जितों धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुसी देख सकते हो उही पुराना टच दिता होया है जितों धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने खेतों नूं पानी देंदे होंदे सी जी। ये है जी वो खूह साहिब। जी सतसंग जी इस दे नाल नाल इतों खूह साहब तो ही अमृत जल लैके जाने वास्ते इतने फिल्टर का भी इंतजाम किया गया है। जिहड़ियां संगतां आंदियां ने जिस तरह हुण बहुत सारिया संगतां श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने वास्ते आईया हुई ने इंडिया तो बहुत सारिया संगतां इतों खूह साहब का अमृत अपने घर वास्ते लैके जाते हैं जी। इस दे नाल नाल सतसंग जी मैं तुहानू यह भी दसदा जावां कि अज भी असी अज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PSGPC ने उही पुराना टच रखिया होया है जो श्री गुरु नानक देव जी के टाइम से जिवें बैल दे नाल पानी कढ के संग पानी बैल दे नाल पानी कढ के खेतों नूं लगाया जांदा सी। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ियां इंडिया तो संगतां आईयां ने श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने वास्ते वह हुम हुम आ के संगतां इत्थे खड़ियां दर्शन कर रही ने। इहदे नाल असीं तुहानू इस दे नाल नाल तुहानू असीं लंगर हाल दे भी दर्शन करवावांगे जी। गुरु रूप प्यारी सतसंग जी असीं तुहानू दर्शन करवाए गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहब के। आओ तुहानू हुण असीं दसदे चलीए कि जिहड़ा इह नवां गुरु घर बनया है जिहड़ा मैं जिस तरह मैं तुहानू पहले दस्सिया कि 42 एकड़ां दे विच गुरु घर नूं बनाया गया। ये है जी मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा यह जिहड़ा दरवाज़ा तुसीं देख रहे हो इहदे अंदर म्यूजियम है। इहदे अंदर म्यूजियम बनाया गया है जिथे सिख इतिहासक चीज़ां हिस्ट्रियां सिख इतिहास नाल जुड़ियां हुई चीज़ां इत्थे रखियां गईयां ने। इस दे नाल नाल जिहड़ा कोरीडोर है यह संगतां जिहड़ियां इंडिया तो या पूरी दुनिया तो जिहड़ियां संगतां धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहब दर्शन वास्ते आते हैं उन्होंने रहन वास्ते इत्थे प्रबंध किए गए हैं। उस दे नाल नाल इत्थे स्टाल लगिया होया है एंटीक चीज़ों का जो कि लकड़ी के नाल बने हुए हैं उन्होंने भी स्टाल लगाया गया है। की रिंग दरबार साहब करतारपुर साहब के की रिंग श्री गुरु नानक देव जी के की रिंग होर डिफरेंट चीज़ा जिस तरह खंडे गुरु घर की बिल्डिंग का मॉडल ये सारिया चीज़ों का इत्थे स्टाल लगाया गया है। इस दे नाल नाल तुहानू असीं हुण लैके चलांगे लंगर हाल दे विच तुहानू लंगर हाल के दर्शन करवावांगे जिथे संगतां बेअंत संगतां मेरा ख्याल लंगर हाल की इन्नी कपैसिटी है कि एट अ टाइम 2000 to 2500 श्रद्धालु जड़े ने वो बैठ के लंगर छक सकते हैं। आओ जी सतसंग जी तुहानू असीं गुरु घर के दर्शनों के नाल नाल जो लंगर हाल बनाया गया है वो भी दर्शन करवाइए। तुसीं देख सकते हो यह लिखिया है गुरु का लंगर गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब पंजाब पाकिस्तान। सतसंग जी मैं दसदा जावां यह तुसीं जिन्ना वड्डा भी कंपलैक्स देख रहे हो ना करतारपुर साहब का यह सिर्फ और सिर्फ 9 to 10 महीनों बनाया गया है। 2018 नवंबर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर इतने नींह पत्थर रखा गया सी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नींह पत्थर रखा दिसंबर जनवरी के इतने काम स्टार्ट होया तो 550 साल 2019 जो धन धन साहब श्री गुरु नानक जी का 550 साल प्रकाश उत्सव से वो उपर इस गुरु घर के पूरे कंपलैक्स में कंप्लीट करके यदा इफ्तिताह किया गया से। यह लंगर हाल भी उदों बनाया गया मैं तुम्हें पहले भी दस चुकिया कि इस लंगर हाल के इन्नी कपैसिटी है कि एट अ टाइम 2000 to 2500 के लोग श्रद्धालु तकरीबन श्रद्धालु बैठ के लंगर छक सकते हैं। ये मैं तुम्हें दसदा जावा कि सतसंग जी यह जो तुम हाल देख रहे हो यह भी संगत वास्ते बनाया गया है क्योंकि महाराज का ज्योति जोत दिवस जो हों सितंबर गर्मियों के टाइम में आता है तो उदों जो श्रद्धालु आते हैं उन्होंने कोई प्रॉब्लम ना हो इस करके। उस तो बाद सतसंग जी तुम देख सकते हो लंगर हाल जिथे श्रद्धालु बैठ के लंगर छक रहे हैं। मैं तुम्हें दसदा जावा इस गुरु घर के लंगर हाल का निज़ाम तुसी देख सकते हो मैं अपने कैमरामैन नूं रिक्वेस्ट करांगा कि तुहानूं दिखाण
यह देखो हर चीज़ प्रॉपर, प्लेटा गिलास कौलियाँ चमचा हर चीज़ प्रॉपर अपने अपने रैक च लगी हुई है। संगत आदियां ने इतों अपनी प्लेट चुकी, गिलास चुकिया, चम्मच चुकी, बैठ के प्रशादा छक लिया। सफाई का निज़ाम तुसी देख रहे हो, नाल दे नाल, नाल दे नाल जेड़े इतों के सेवादार ने करतारपुर साहब के, वह नाल दे नाल सारी सेवा लंगर हाल दे सफाई की, सफाई सुथराई की सेवा, बार परिक्रमा की सफाई सुथराई की सेवा, ये नाल दे नाल इस दे वाइपरां तो हट के तुसी देख सकते हो मशीन रखी हुई इलैक्ट्रिक, जिहदे नाल नाल दे नाल ही जिस तरह श्रद्धालु लंगर छकते जाते हैं उस तरह ही आके सफाई सुथराई का इंतजाम रखा गया है जी। तुसी कोरीडोर राही भी दो बारी तुसी आए, हुण तुसी वीजा लैके आए करतारपुर साहब, कोरीडोर जिहड़ा बनिया वो 3 महीने खुलण तो बाद 18 महीने बंद रहा, तुसी की समझते हो कोरीडोर बंद रहना चाहिए या खुलिया रहना चाहिए? ये तो कोई भी सिख नहीं चाहेगा जी, लेकिन 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 वो तुहाडी गल ठीक है, लेकिन करोना मुक गया से मोस्टली तकरीबन खत्म से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 महीने बाद खोल दिता से, इंडियन गवर्नमेंट ने बंद रखा से। पता जी ये सरकार दियाँ होंगे जी पॉलिसियां ला लो, इन्हें ला लो भी सिखां नाल वितकरा ला कह सकते हो तुसीं कुछ भी है। जिस दिन पहले दिन खुलिया उस दिन मैं आया सी, और उस तो बाद जिस दिन मैं परिवार लैके आया उस तो बाद ही लॉकडाउन का बहाना बना के दिन बंद कर दिता गया, तो संगत ने बहुत अरदासां कीतियां, तो अरदासां दे सदके जिहड़ा ये दुबारा अज खुलिया। जिहड़ा करोना सी मेरे हिसाब से एक बहाना सी, बाकी गुरुद्वारा साहब है गया उत्थे करोना क्यों नहीं है। चलो बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, आप जी का, भाई साहब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी का शुभ नाम जी? मास्टर जोगिंदर सिंह अचली गेट जी। मास्टर जी कितों? मैं गुरु नानक साहब के सहुरा घर बटाला, जिते माता सुलखनी जी का पेका घर, जिते गुरु नानक साहब जी का माता सुलखनी जी का विवाह होया, मैं उतों आ जी। तो पहली बार आए जी पाकिस्तान? पहली बार आया। कैसा लगा, की सोच के आई सी, ते की तुहानू इत्थे आके मिलिया? सोच तो वध मिलिया, जे मैं शब्दों च कहना चाहवां मैं नहीं कह सकता। ये अलौकिक नज़ारे जो ये धरती दे उत्ते ने, ये जो गुरु नानक साहब जी जिदा सिद्धा ने भी कहता है सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, बस आ वो कमाई जिहड़ी है ना जी वो ही खाण डे आ, बस अनुभव ही कर सकते हैं शब्दों राही बयान नहीं कर सकते, शब्द साडे छोटे पै जाने। ते कल्ले आयो? मेरे मिसेज नाल आए। बच्चे? बच्चे नहीं जी आए, आई तो आखिरी परात हाँ, तो गुरु नानक साहब नूं अरदास बेनती की उन्होंने साडी कबूल कर ली है, तो ये उन्होंने नज़ारे हैं जी। भाई साहब जी थोड़ा जो परसनल क्वेश्चन है, बच्चों को क्यों नहीं लैके आए? बच्चों असल च वो मैरिड ने, मेरिया लड़कियां दोवें ही मैरिड ने, ते वो जॉब कर दिया ने, जो गुरु ने कृपा करनी है फिर मैं कह देने उन्हें आपे आ जाना। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की जिहड़ी धरती है ये सिखां दा मोढ है, इत्थों गुरु नानक पातशाह का प्रकाश होया, इस पाकिस्तान चौथे पातशाह गुरु रामदास जी का पंजवें पातशाह की शहीदी हुई, तो इतिहास है, सानू चाहिए कि जिहड़ी यंग जनरेशन है वो आवे उन्हां नूं इतिहास का पता चले, की कहंदे हो तुसीं? बिल्कुल जी, जो अही पढ़ के जां वीडियो राही वेख सकने, जो अही आप अपनी नज़र ना वेख लैना ना जी, उहदा नज़ारा जिहड़ा है वो मतलब। चलो चलो महाराज, महाराज बख्शिश, महाराज बख्शिश करन मास साहब के महाराज, ये जिहड़ी लांघा जिहड़ा करतारपुर साहब का लांघा है ये प्यार लैके आवे, संगतां आण दर्शन करन ते वापस करन चल जा, चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। जी गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी, तुहानू दर्शन करवाए लंगर हाल दे करतारपुर साहब दे लंगर हाल दे, साडे नाल इत्थे श्रद्धालु मौजूद ने, आओ उन्हां नाल गलबात करदे आ, उन्होंने पूछते हैं वो कितों आए ने, उन्होंने पाकिस्तान आके कैसा लगा? भाई साहब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी आप जो शुभ नाम? सेवा सिंह जी, विरक पटियाले तो जी।
अच्छा भाई सर जी पहली बार आए पाकिस्तान? हाँ पहली बार आए जी। तो कैसा लगा पाकिस्तान आके? बहुत अच्छा लगा जी, क्यों ये दूजी कौम होंदया होया भी साडा इन्ना इन्ना माण सत्कार किया, साडा पुलिस ने बहुत सत्कार किया है, इतों के लोगों ने साडा बहुत सत्कार किया है, पर असी बयान नहीं कर सकते जिन्ना सत्कार किया इन्ना साडा। तो बाकी कमियां जिहड़ियां ने साडी साडी श्रोमणी कमेटी वालों जिहड़ियां रहियां, मैं मुड़ तो गल शुरू कर रहा, जदों असी वाघा बार्डर ते पहुँचे उत्थे सारा कुछ करन तो बाद एक तो उत्थे पानी की सुविधा कमेटी वालों चाहिए नहीं सी, दूजी सुविधा सी भी उत्थों तुर के जदों 1.5 किलोमीटर अगे असी गए उत्थों तुर के बुढ़िया के गोडे दर्द सन, बुरा हाल से, लत्तां धरुंदियां गईयां। नहीं भाई साहब जी मैं तुसीं गल कर रहे हो अटारी दी, इंडिया दी, जदों तुसीं पाकिस्तान दे गेट ते आए उत्थों कीती गल, पाकिस्तान दे गेट तक गल कर रहे हो तुसीं? गल कर रहे हां पाकिस्तान दे गेट ते जदों असीं आए सानू साडियां बुढ़िया नू बड़ा ही मुश्किल आई, कोई सुविधा ही नहीं सी किवें उत्थे जाणा। चलो अगे पहुँचे, अगे उन्हां दा बहुत वधिया सिस्टम सी, उन्हां दे जदों अवैसी च पहुँचे उन्हां सानू बड़े तरीके दे नाल वारो वारी कढ़दे गए ने, कोई दिक्कत नहीं, फिर लंगर दी सुविधा सी, चाह पियो लंगर छको जो भी, ते फिर बसां च बिठा के सानू ननकाणा साहिब लै गए। गुरु साहिब दी बड़ी कृपा रही। उत्थे कमी की आई जी, साडी श्रोमणी कमेटी जिहड़ी पंजाब वाली इंडिया वाली उन्हां नू चाहीदा भी उत्थों वाली कमेटी जिहड़ी पाकिस्तान वाली कमेटी का कोई कसूर नहीं इस गल च, उन्हां जिहड़े लंगरी ने इत्थों कमेटी के मुलाजम बहुत घट ने, उत्थे उन्हां नू सुचम नहीं रखण का पता, लंगर वरताउण का नहीं पता। मेरी बेनती है कि श्रोमणी कमेटी इंडिया वाली जिहड़ी अपने 50-60 बंदयां दा एक जथा पहलां भेजा करे, भावें अपने मुलाजम भेजे, वह लंगर वरताउण, वह लंगर उन्होंने वरताउण की जाच दसन भी इस तरह वरताउणा, क्यों साडी कौम अमृतधारी है, सानू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बख्शिश की भी सुचो रखनी है, सुचा प्रशादा छकना है, जूठा प्रशादा हाथ भी लगा नहीं छकना, वह उन्होंने कड़छियां विच लगी जांदियां ने थालियां दे, वह जे कहे भी मैनू एक प्रशादा चाहिए अं दो गुण दिते ने, वह थाली चू चुक के विच धर लैंदे ने टोकरी दे, बड़ा ए तो माड़ा लगा, वह कमी असी अपनी कमेटी की कढ़ने आ, क्यों इत्थे मुलाजम बहुत घट ने, वो नहीं पूरा आ सकते, इन्हों का शाबाश है, इन्हें जो लंगर इन्हें तैयार किए लवाए किया, पर वरताउण की जी सुविधा वो नहीं सही, वह साडी कमेटी जिहड़ी उन्होंने बंदे जथे दे नाल हमेशा ही आए वारी 50 बंदयां दा जथा एक लंगर वरताउण वास्ते भेजण, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा साडी श्रोमणी कमेटी नू इंडिया वाली नू। ते बाकी सानू इत्थे हुण करतारपुर अज पहुंचे आ, इत्थे इत्थों दा सिस्टम वेख के इत्थों दी तैयारी वेख के मैं सलाघा करदा पाकिस्तान सरकार दी भी इन्हां बेतशाह कमाल कर दित्ती, वेख के साडा मन खुश हो गया, गदा गद हो गया भी साडा जी करदा भी ये पत्थर ते पैर कितें मैला नाल टिक जाए साडा, ये पत्थर गंदा ना, सफाई सुथराई कोई होर प्रॉब्लम सारा कुछ ठीक, प्रॉब्लम सारे बिस्तरे ऐन विछे पए ने, जिवें मैं असी बाहरले देशों से भी जाने हाँ, मैं ना 5-star होटल 10,000 एक बंदे का किराया लगे, जिवें साडे बिस्तरे पहले ही विछे पए ने, तैयार पर तैयार, गुरु नानक पातशाह की कृपा है, धन गुरु नानक पातशाह की ये कमाई है जिहड़ी सिख संगत खा रही ने, तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का जी। गुरु प्यारी साध संगत जी अस तुहानू दर्शन करवाए धन धन साहब गुरु नानक देव जी के अस्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब के, अज इत्थे वो संगत भी मौजूद है जो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने वास्ते इंडिया के वक् वक् कोनिया तो ननकाणा साहब पहुंची सी, अज वो संगत गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब दर्शन वास्ते आई, असीं उन्होंने संगतां नाल विचार भी सांझे कीते कि उन्होंने पाकिस्तान आ के कैसा लगा, पाकिस्तान के गुरधाम दर्शन करके कैसा लगा, तुहानू साडा प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दिओ, अगर तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तो साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि वध तों वध पाकिस्तान के गुरधामां दे दर्शन तुसीं कर सको। इस दे नाल अपने होस्ट सरदार दीपक सिंह अते बोलदा पंजाब दी पूरी टीम नूं इजाजत दिओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।